Rajan sir, thank you, Sandeep sir, and thanks to all of the participants, those who are joining. So, मेरा नाम डॉक्टर माधव नायक है. मैं MBBS, MD in Community Medicine, now Assistant Professor in one of the reputed medical college in Odisha. So, आज मैं आपको जो मेरा experiences है diabetes reversal के बारे में, because मैं बहुत दिन से try कर रहा था कि patient लोग जैसे medicine लेते थे पहले, एक medicine के बाद एक बढ़ते जाता रहा है. मैं सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो सोल्यूशन होगा इसके लिए. ठीक है, तो मैं मेरा रिलेटिव्स को अप्लाई किया, मेरा सम जो पेशेंट है उनको अप्लाई किया. उसके बाद देखा बहुत सारा रिवर्सल स्टोरीज, बहुत सारा का लोग का हमारे उड़ीसा का जो स्पीकर सर हैं, वाचस्पति सर, उनका भी इंसुलिन बंद हो गया है. तो बहुत सारा जो लोग हैं उनका मैं हम लोग यहाँ बंद किए हैं हम लोग. तो उसी के बारे में ही मैं डिटेल्स आज बात फ्रॉम आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन. सो मेरा MBBS के बाद जो हमारे एलोपैथी में होता है तो वही ठीक है, मतलब रहता है. उसके बाद MD में जो हम कोर्सेस करते रहते हैं उसी कोर्सेस के हिसाब से हमारा जो मतलब सीखा हूं मैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च भी ज्यादा करते हैं. रिसर्च करने के बाद हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे मतलब पेशेंट लोगों को रिवर्स करें, बिकॉज लाइफस्टाइल हमारा जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, ऐसे मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन में ट्रीटमेंट आता है. जो प्राइमोडियल एंड प्राइमरी को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देंगे ज्यादा, तो हमारा क्या होता है कि जैसे सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि ट्रीटमेंट एंड ये सब मतलब थोड़ा कम जाएगा. तो जैसे है उसी के हिसाब से मैं आज मेरा स्लाइड के थ्रू से आपसे डिस्कस करूंगा. सो अगेन आई एम शेयरिंग माय स्लाइड्स टू ऑल ऑफ यू. सो या होप माय स्लाइड इज जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर इट बैक एंड जस्ट because of some poor network connection, I will switch off my video and I'll continue with my logo. Audio. Okay. So my audio is here all of I've been in the I cannot able to see. Is my audio is clear? Yes. Okay, thank you. So let me start this reversal story, because I am also one of the life member of ISLM, that is Indian Society of Lifestyle Medicines. Okay, so because this is like similar kind of doctors, many doctors those who are whole food plant-based doctors in that group, that is a direct branch of hamara kya hai ki ASLM, American Society of Lifestyle Medicines ka wo direct branch hai. To usme hum log jo matlab कोर्स भी कर चुके हैं, उसमें लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो कोर्स रहता है. एंड सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसको एक क्विज से स्टार्ट करते हैं हम लोग. बहुत लोग का डाउट होता है कि टाइप 2 डायबिटीज हैपेंस लार्जली बिकॉज देयर इज लेस इंसुलिन इन द बॉडी. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. टाइप 2 डायबिटीज हैपेंस लार्जली बिकॉज देयर इज लेस इंसुलिन इन द बॉडी. So, मैं जो ऑडियंस होते हैं उनको थोड़ा मतलब पूछना चाहता हूँ कि whether it is true or false, जो टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन कम के वजह से होता है क्या, ये सही है कि फल्स है. सो जिनको कुछ कुछ आइडिया है थोड़ा मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए कि इंसुलिन के मतलब टाइप 2 डायबिटीज में पूछ रहा हूँ, इंसुलिन कम होने से होता है या इंसुलिन ज्यादा होने से होता है. Okay, thank you. So many participants have answered this, and yes, some had got right answer also. Because the thing is that all play a major role in insulin resistance, right? So what is that insulin resistance that we'll discuss? False. Very good. So thank you all those who have responded well this thing. And another thing, the root cause of diabetes is that there is too much of glucose in the sugar in the blood. True or false? Again, another question. I just want to know. मैं आपको जानना चाहता हूँ कि the root cause of diabetes is that there is too much of sugar in the blood. The root cause. True or false? Some Pradeep Joshi is writing true. Some are writing false. Okay.
thank you those who are responding and you got to know the answer at the end. आपको पता चलेगा कि actually सही क्या है, ठीक है? Yes, false. ये भी false है. Root cause sugar नहीं है, ठीक है? So what the problems with diabetes now? हम लोग क्यों इसको ज्यादा discuss कर रहे हैं? देखो, nearly 80% of people with diabetes will die as a result of cardiovascular disease. That is called coronary artery disease, angina and heart attack, जिसको हम लोग बोलते हैं common medical terminology में. तो diabetes जिसको होता है, nearly 80% of that people will dying with this disease. And diabetes is also one of the independent risk factor है this disease का. So it's a major risk factor of death now. Non-communicable disease जिसका बोलते हैं. Number one killer of death now it is. So we must have to know about that things. An average diabetic in India would spend easily cost. अगर हम लोग cost का बात करेंगे, तो average diabetic in India would easily spend around 15 to 20 lakhs on medicine in his lifetime. In his lifetime, average. And medicine लेने के बाद भी वो medicines क्या काम करता है? Only control ही करता है ना? Only control ही करता है. This not medicine is not giving the true benefits that is needed. Only temporarily the sugar will be low, but the problems inside the body will increasing day by day, right? That's where it is not the solution what we are seeing. And हम लोग अभी जो देख रहे हैं, एक medicine के बाद दो medicine के बाद तीन medicine चार medicine, उसके बाद insulin, ठीक है? And insulin लगने के बाद cancer, kidney failure, so many things. तो अभी ये रिवर्सल का टाइम है, ओनली मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का टाइम नहीं है ये. ओके, सो यस. एंड कॉस्ट ऑफ डायबिटिक रिड्यूसेस लाइफ स्पैन आल्सो, बिकॉज ऑन एन एवरेज बाय 10 इयर्स दोज हु आर नॉट रिवर्सिंग इट, ओनली दोज हु आर कंट्रोलिंग इट ऑन मेडिसिन, दोज हु आर नॉट मतलब रिड्यूसेस देयर नॉट रिवर्सेस देयर डायबिटीज. जो लोग रिवर्स नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मेडिसिन लेके मैं ज्यादा नहीं बचूंगा, नो, ये फल से. डायबिटीज रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन दोज हु आर ओनली कंट्रोलिंग दैट. सो टाइप 2 डायबिटीज जो है, इट इज आइडेंटिफाइड एज ए इररिवर्सिबल. पहले जो हम लोग बता रहे थे, हम लोग भी एमबीबीएस में जब कर रहे थे, हमको भी ये बताया गया था कि नहीं डायबिटीज जो है इररिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है? बट अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट विल नीड इंसुलिन थेरेपी विद इन द 10 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस. हम लोग ये देख चुके हैं, हम लोग ये सुन चुके हैं, हम लोग बार बार मतलब ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे पहले. बट नाउ रिसर्च एग्जिस्ट दैट रिवर्सल इज पॉसिबल थ्रू अदर मीन्स दैट हैव ओनली रिसेंटली बीन एम्ब्रेस्ड इन द गाइडलाइंस. हमारे जो रिसेंट गाइडलाइंस है वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ गाइडलाइंस हम लोग मतलब अभी भी आ गया है, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि कुछ कुछ स्टडीज जैसे होता है हैं, उसमें भी हम लोग देख चुके हैं. द रिसेंट 2016 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन डायबिटीज एडेड ए सेक्शन ऑन डायबिटीज रिवर्सल एंड एक्नोलेज दैट इट कैन बी अचीव थ्रू वेट लॉस एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्शन. उनका भी स्टडीज है, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको. डायबिटीज रिवर्सल इज ए टर्म दैट हैज फाउंड इट्स वे इनटू साइंटिफिक आर्टिकल्स. व्हेन हेमोग्लोबिन एचबी1सी अंडर द डायबिटीज लेवल दैट मींस less than 6.5 without the use of any glycemic control drugs, that's called diabetes reversal. Okay, so what the actual meaning of reversal kya hai, reversal ka matlab meaning kya hai? Jaise reversal matlab going in opposite direction, theek hai? Sugar level aapka ghatte jayega, insulin medicine jo jitna wo bhi ghatte jayega, आपका वेट जो फैट भी लॉस होगा, मसल होते जाएगा, लुकिंग यंगर फ्रॉम ओल्डर टू यंगर एंड बिकमिंग फिटर बाय 10 टू 20 इयर्स. दीज आर द सम ऑफ द रिवर्सल, दैट मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिवर्सल प्रोसेस. दैट मींस ऑल द बेनिफिट रिवर्सल टेक्निक, नॉट हम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं उनका भी ज्यादा आ रहा है, उनका मेडिसिन बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं. तो क्योंकि रूट कॉज को ही ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है तो समझने के लिए. सो मेडिसिन लिख दे रहे, चलो तो लाइफस्टाइल उसका ही रूट सॉल्यूशन है, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. इसी बात को फोकस करने के लिए मैं
आपका जो डायबिटीज रिवर्सल का टॉक है मैं आपको बोलूंगा, एंड जो रिवर्सिंग द डायबिटीज के टर्म दैट यूजुअली रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज, उसका भी एक तो डेफिनेशन diabetes.co.uk ने दे दिया है, तो उसी के हिसाब से भी हम लोग मतलब देखेंगे। एंड हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें इसी सब रिसर्च जो एविडेंस बेस्ड है, मैं पहले पाया था ये रिवर्सल डॉक्टर नील बर्नार MD एंड ही रिवर्सल टेक्निक्स देयर एंड ही इज आल्सो फाउंडर ऑफ PCRM Committee of Responsible Medicines in America, and he has that book of reversing diabetes without any. So that book मेरे पास scientific evidence के हिसाब से मैं देखा था, and उसके बाद start करना research में, मेरा भी काम research है तो मैं उसी हिसाब से protocol को start किया। उसके बाद मैं देखा कि कुछ तो साइंस उसके मतलब प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में डॉक्टर नील बर्नार्ड बोलते हैं और उसमें वो भी समझे हैं कि कैसे हाउ टू रिवर्स द डिजीज। एंड और एक तो प्रोफेसर है दिस नॉर्मलिटी कैन बी ड्यूरेबल इट इज नॉट ए गुड न्यूज। So Professor Roy Taylor in his stories, in his studies, with low calorie diet, जिसको बोलते हैं, उसमें भी वो लोग प्रूव करते हैं कि yes, not a lifetime, not a life sentence. So जिसको भी disease है, they can also first with this protocol. Dr. Jason Fong also runs Canadian nephrologist. माइंड में बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग होता है कि नहीं मेडिसिन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग ये भर्ती किए हैं आपको माइंड में, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर Diabetes is a chronic progressive disease. Once you get the diagnosis, it's a life sentence, but it's actually great, like big, like three big lie in diabetes. He told also, so type 2 diabetes almost always reversible, and this is almost ridiculous, easy to prove, ridiculously. So we actually, this is the truth. I have also seen in many of my patients, this is already almost reversible. Just for your belief, I just want to show some of the studies, some of the case studies. पहले देखो एक patient था, उनका नाम था चक्रपाणि बेहरा। उनका पहले मेरे पास जो contact किया था HbA1c था 9.5 जैसे ऊपर में है, and जो parameters मैंने देखा हूँ fasting, PP sugar, blood pressure सब था। उसके बाद 5 tablet भी चला था, लेकिन after intervention with this protocol, now 5.5 HbA1c, 5.5 मतलब diabetes नहीं है। And now he is totally fine. After 2 years also, he is fine now. And I have given his number also for the direct proof, right? Also, Raghunath Sethi Babuji. Unka bhi pehle 10.5 tha, PPBS 237, blood pressure. Uske total EV5 tablet le rahe and insulin le rahe 20 units per day. But now it is 6.5 and PPBS. This is why I am just viewing this because मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि दीज आर द प्रूफ्स आई हैव कलेक्टेड एंड ए लॉट ऑफ प्रूफ नाउ गोइंग ऑन एंड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आल्सो वी आर एक्युमुलेटिंग ऑल द स्टोरीज एंड आई विल प्रेजेंट दिस इन ए साइंटिफिक कम्युनिटी डॉक्टर्स कम्युनिटी ऑफ आवर एकेडमिक मीटिंग सो दैट डॉक्टर्स विल आल्सो कैन गेट टू नो दैट थिंग्स राइट इवन दिस पेशेंट ऑफ इंसुलिन आल्सो दिस पेशेंट आल्सो टेकिंग इंसुलिन एंड नाउ ही इज फ्री ऑफ दैट सो मेनी स्टोरीज वी हैव दीज आर सम ऑफ द tips of the iceberg of our results. More than thousands of cases already reversed and their diabetes and lifestyle disease and now living a healthy, happy and medicine-free life. This is our target. This is our goal to achieve at least more than 1 lakh people to reverse their diabetes and become a disease-free life. Okay.
पहले कर्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनका रूट कर्ज जो होता है ना वहां पे हमको काम करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर कोई मतलब जाएंगे, अगर रूट कर्ज पे काम नहीं करेंगे, ओनली उनको दवाई दे देंगे, ओनली उनको मेडिसिन दे देंगे, दैट दैट विल ओनली टेम्पररीली सिम्स मतलब लगेगा कि मेरा शुगर ठीक है, लेकिन जो मूल कारण है ना उसमें कोई काम नहीं करता है। इसीलिए मूल कारण पे काम करना पड़ेगा, जैसे हमारा डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे सपोज आपका बुखार हो गया, बुखार होने से क्या होता है, बुखार होने से उनका कुछ अंडरलाइंग कॉज होता है। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, बुखार होते होते दवाई दुकान के पास गए, वो मेडिसिन दे देगा, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल ले ली दवाई, मतलब बुखार चला गया। बुखार का जो कॉज था, बुखार क्यों हुआ था, उसको अगर हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे तो ठीक नहीं होगा, फिर बार बार बुखार होगा आपको, ज्यादा बड़े मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होगा। इसीलिए डायबिटीज में भी ऐसे कर रहे हैं आप लोग कि ओनली क्या होता है कि ओनली मेडिसिन में आप लोग सोच रहे हैं कि शुगर घट जा रहे हैं, लेकिन शुगर घटना इज नॉट द सॉल्यूशन, उसका जो अंडरलाइंग कॉज है जिसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको घटाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, तो हाई इंसुलिन जो होता है ना वो क्या करता है, देखो नॉट ओनली कॉजेस डायबिटीज, इट ऑल्सो देखो आपकी ऑल दिस डिजीज दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर एसोसिएटेड विद दिस हाई इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर ज्यादा टाइम इंसुलिन बढ़ते रहेगा तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज के, डायबिटीज के साथ ये भी सब हो सकता है आपको, हाई कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक होने का चांसेस है, कैंसर होने का चांसेस, अल्जाइमर्स, फैटी लिवर, पीसीओडी, गाउट, ऑल दिस प्रॉब्लम विल ग्रेजुअली डेवलप इन दैट पेशेंट, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन होते रहता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखो, रूट कॉज ऑफ डायबिटीज उसको समझना पड़ेगा, एंड उसको समझ के ही हम लोग मतलब मतलब कुछ करेंगे। आई थिंक वॉइस, समवन इज राइटिंग वॉइस ब्रेकिंग, सो इज माय वॉइस इज क्लियर और एनी ब्रेकिंग नाउ, प्लीज क्लैरिफाई मी। अभी क्लियर है डॉक्टर माधव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द हाउ टू सॉल्व दिस रूट कॉज ज्यादा मतलब जस्ट अ मिनट, हाउ टू मेजर दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम लोग बोल रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको मेजर कैसे करते हैं वही हम लोग जानेंगे। मेजर के लिए तो होमा आईआर टेस्ट होता है, जिसको होम्योस्टेटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, एंड उसका क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो होता है एंड इंसुलिन, ये दोनों में ये निकलता है। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो होता है MG/DL एंड आपका फास्टिंग इंसुलिन जो कंसेंट्रेशन होता है उसको हम लोग टेस्ट करें, फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग ग्लूकोज, ओके, डिवाइडेड बाय 405। ओके, उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, एंड उसी हिसाब से हम लोग आपको मतलब इंटरवेंशन देंगे कौन सा लेवल पे आपका है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे कि उसका जो रेकमेंडेड या हाँ जो इंटरप्रिटेशन उसका है उसमें क्या है कि होमा आईआर डिटरमाइंस योर इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल, अगर एक के अंदर है तो ठीक है, एक से क्रॉस करेगा 1 to 1.9 दैट येलो जोन, दैट मींस बॉर्डरलाइन डायबिटीज, बॉर्डरलाइन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बोलते हैं, एंड अगर मोर देन 2.5, मोर देन 2.5, 2.9 एंड सम बुक्स आल्सो टेलिंग मोर देन 2.6, दिस कॉल सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं तो देख चुका हूँ हमारा पेशेंट लोग का भी, यहाँ क्या होता है कि मोर देन 10 होता है, किसका मोर देन 20 होता है, दिस आर द थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद सो मेनी पेशेंट्स वी हैव सीन, एंड या सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो हमारा जो कुछ कॉज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, पहले जब फैट लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जब फैट लेवल हमारा जो लिवर में क्या होता है कि एक्सेस, दिस कॉल्ड फैटी लिवर, सो फैटी लिवर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो, एलोंग विद दैट फैट इज एक्युमुलेटिंग नॉट ओनली इन लिवर ऑल्सो इन पैनक्रियास, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पैनक्रियाटिक फैट एंड ऑल्सो इंट्रा हिपेटिक फैट, दैट ऑल्सो द फैट इज ऑल्सो एक्युमुलेटिंग इन योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट्स कॉल्ड due to high amount of triglyceride and cholesterol, then yeah, so again high insulin resistance is also cause this type of coronary artery disease,
So these are some of the quotes that I got from Dr. Neil Bernard, who is the main pioneer of this research. And वो समझे हैं कि insulin resistance का cause, root cause क्या है? एक cell के अंदर में क्या होता है कि जब देखो ये हमारा एक तो muscle cell है, ठीक है? मसल सेल में जब इंट्रा मायोसेलुलर लिपिड होता है, मतलब एक इंट्रा मायोसेलुलर लिपिड जिसको मैं यहाँ टिक किया हूँ, ये जो हमारा कर्सर है, द इंट्रा मायोसेलुलर लिपिड इसमें जब ज्यादा हो जाएगा एक सेल में, जितना रहना है वो नॉर्मल है, जब इंट्रा मायोसेलुलर लिपिड लेवल, दैट्स कॉल्ड फैट लेवल, एक सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा, उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, मतलब गल्गी बॉडीज हैं, अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उसमें सेल में भी एटीपी प्रोडक्शन होता है, तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो डायबिटीज में वीकनेस आएगा एंड ऑल दिस थिंग आएगा, राइट? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे क्लियर करना है, द कॉज को पहले रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ जो ज्यादा फैट जमा है ना, यहाँ this fat, the intramyocellular lipid, that is the main cause of insulin resistance, right? So पहले उसको कैसे निकालना है वही हम लोग को thinking करना है. So it is mostly due to the causes are like insulin like growth factors. अगर हम लोग अभी मतलब क्या सुबह उठ के दूध वाला चाय, ठीक है, insulin like growth factor जो ज्यादा बढ़ाता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, हमारा जो एसिडिक बॉडी है इस टाइम में ज्यादा, एक्सेस फैट कंजप्शन है, lack of micronutrients हैं, ज्यादा refined चीज ज्यादा लोग ले रहे हैं, stagnant lymph है, lack of muscle strength है, and stress hormones, right? So these are the main causes, and उसमें क्या होता है ज्यादा, अगर सबको पता है कि what is the role of insulin, right? Body fat deactivates the insulin and raises the blood glucose. तो हमारा जो insulin का काम है cell के अंदर मतलब ग्लूकोज को एंट्री कर देना, ठीक है, तो जब सेल के अंदर दैट इज कॉल्ड इंट्रा मायोसेलुलर लिपिड ज्यादा फैट हो जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, सो ये अगर ब्लॉक हो गया ना, ये जब तक ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें इंसुलिन क्या डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इंसुलिन काम ही नहीं करेगा, एंड दैट इज ऑल्सो प्रूव बाय आवर डॉक्टर जोएल फोरमैन, डॉक्टर जो जे ओ ई एल एफ यू आर एच एम ई एन, डॉक्टर जोएल फोरमैन एम डी, who has written this excellent book for our academic person, because this is one of the best book, those who want to refer they can also refer this book also, and the thing is that ki isme bhi wo log wahi sab wo describe kiye hain, kaise G-bombs diet kya hota hai, fiber wala high fiber diet kya hota hai, nutrient diet kya hota hai, he very nicely explained Dr. Joel Fuhrman, okay, and so Dr. Joel Fuhrman book mainly he's a whole food plant based doctor, and he already explained the things very nicely there. So free fatty acids kaise hota hai unko thoda samajhna padega. Jo free fatty acids circulating jo blood mein zyada hote hain has a toxic effect inhibiting the energy productions from muscles tissues, which then demand more insulin also. Okay, so fat cells jo hota hai na, fat cells produce the pigment in epithelium derived factor, causing cells to be desensitized to insulin. इसीलिए fat insulin resistance करता है ज़्यादा, ठीक है? Fat cells produce retinol binding protein, which prevents the insulin from activating the glucose carrying proteins also. These are the scientific things. So the trans fat and saturated fats can stiffen and distort the membrane located insulin receptors. So these are the mechanism of scientific mechanism that we already proved. Interfering with the efficient binding, so they are very bad fats, trans fat, refined oil, right? And so these are the theory that he actually clarified to understand. The fat coats the cell membrane and impedes the insulin resistance also, because intramyocellular lipid bhi badhega, uske baad fat cover kar lega cell ko. To cell mein insulin resistance jo hoga, zyada badhte jayega and matlab kaam hi nahi karega. अगेन लिपिड ओवरलोड ज्यादा होगा, लिपिड ओवरलोड के बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाएगा, उसके इंटरनल इन्फ्लेमेशन होगा, एंड ज्यादा ये साइकिल चलते रहेगा आपका, ठीक है? आप फिर मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने क्लिमेपरेट क्या करेगा, क्लिमेपरेट आपका जो इंसुलिन थोड़ा ज्यादा रिलीज कर देगा, ज्यादा कुछ दिन के लिए शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद अगेन सेम प्रॉब्लम हो जाए, मतलब वो ज्यादा बढ़ा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, ठीक है? सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन फॉर डायबिटीज. More insulin, more weight gain.
This is vicious cycle. So doctors now, our community also think that why we give glimepiride since long year. Now also some studies also come in tenagliptin and other that is SGLT2 inhibitor. There is so many side effects like amputation and so many side effects. Already FDA banned this drug, some drugs also. Recently I have got one of the report, ADR report also from that. And 80-85% of people with type 2 diabetes are overweight, mostly because of insulin resistance. 9-13 kilo of weight loss reduces 25% reduce the mortality case also. So for type 2 diabetes, weight loss should be our target. And this is already proved in diabetes.co.uk. What are the solutions? The solutions to type 2 diabetes you had, not to increase the productions of insulin, but to make you less insulin resistant. So the solutions kya hai? Ki jyada badhana nahi hai, except type 1 diabetes and some of the type 1.5 diabetes. There are LADA cases that we'll discuss. That is separate class you can take in different classes. That there is some different management required for that cases. But solutions hai ki not to again raise the level of production of insulin or unnecessary increase the level of insulin. It's time to decrease the insulin resistance, right? What we know in diabetes prevention and pre-diabetes is that a very modest amount of weight loss has this huge reduction in risk. So you lose 7% of your body weight. You cut your risk of developing diabetes by 60%. This is already proved. This is some journals proved also. And in fact, if you have more than 65 years, it's over 70% also, you can reduce the risk of diabetes. Dr. Joel Foreman, who is the author of The End of Diabetes, Eat to Live books, which already I saw. And through working with the thousands of patients, I have observed, he observed that the consistency that losing the body fat is in conjunction with the, and maintaining high levels of micronutrient, high levels of fiber, is very, very important to reduce the need of medications in most of the cases of type 2 diabetes. Okay. So he developed a formula that is called nutritarian diet. Okay. That means like in physics, E is equal to mc square. He developed a formula, health expectancy, H is equal to nutrients divided by calorie. That means if agar jyada nutrient rich food loge to jyada kaam mein aayega, jyada calorie wala only loge to jyada problem karega. Isliye health expectancy is equal to n by c. Please write down, this is mostly one of the best formula to know, because we have to take humko zyada nutrient wala food lena chahiye, not ki zyada calorie wala. Ab jo cold drinks and all these things refined food market mein mil rahe the, all high calorie food that increase your sugar level, that increase your insulin resistance rapidly fire up. So each medicine is the solutions. Medicines might be the winning the battle in glucose control, but it's losing the war against the diabetes. Already Lancet proved it. And the drugs cannot effectively treat this disease, which is merely a side effect of an unhealthy lifestyle and diet. So it's not the solutions. No medicines can do what a dietary and lifestyle overall can do. Already Dr. Joel Foreman in his book, End to Diabetes, Eat to Live, already told. Okay. So I request everyone to go through that book of Dr. Joel Foreman, and please, you can get a lot of things there in the book also. You cannot solve type 2 diabetes with type 1 diabetes medication. Type 1 is different, totally different from type 2 diabetes. So the management is also different. What our Ayurvedic spirituals, they are also telling that if you don't follow the pathya or right diet, then there is no use of medicines. And if you have followed a pathya, then there is no need of medicines. Okay. So this is also a very nice talk by our Ayurvedic scriptures. And four protocols of systemic reversals. This is from pishyarm.org. Diet, exercise, inner transformation, that we are doing spiritual practices also. And because when persons after reduction, all these things, he cannot control his mind and again take all these foods. So on spiritual practice, on mind control, on chakra healing, so many integrative way we are actually practicing in our camp also. And we are reversing the disease through these things. Diet, because it will take some days, not immediately you can reverse all these things.
You can reduce the all the your body's acid, inflammation, reduce blood sugar, reduce the medication gradually. And in the intensive phase, what you do key detoxification of your system. Because as per naturopathic concept, when I read this book of naturopathy, I already told that the root cause of disease is not the microbes or not the bacteria, the toxins that is present in our body. So jada jiska body mein toxins rahega, matlab wahi bacteria and virus ko attract karega, and that will leads to again infections and again disease. Okay, so we must have to understand that gradually aapka muscle building bhi hoga, jiska weight loss jyada ho jata hai usko muscle building exercise batana padega, and uske baad maintenance diet pe hum log rakhte hain jo ki sabse beneficial hai aapka. And phase 1 diet mein hum log kya karte hain, no to animal food, no to milk products, no to all this animal food. So start green smoothie. Hum log green smoothie start karte hain morning mein. Green smoothie ke sath हम लोग ग्रेन्स नहीं देते हैं अप टू 1 PM. उसमें हम लोग स्प्राउट्स दे सकते हैं, हम सलाड्स दे सकते हैं, हम लोग लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स रख सकते हैं, 50% लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स रखते हैं हम लोग. दैट शुड बी सीजनल, दैट शुड बी लोकल, एंड दैट शुड बी नेचर फ्रेंडली. एंड सॉफ्ट नट्स भी यू कैन गिव इन मॉर्निंग ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट वी बिकॉज आवर बॉडी फिजियोलॉजिकली नॉट मेड फॉर एनिमल फूड्स. वी कैन सी बिकॉज if we compare our we are coming from mammals, hum log mammals ke matlab usi prajati ke hain as per evolution history. So if we compare with our progenitor, we can also know that actually our body is not to eat matlab this kind of all these non veg foods those now we are taking, because maximum people exaggerated canines also you can see in the people who are taking peoples who are taking this kind the animals, those who are taking the non veg foods, their canine teeth is very large, but we don't have that. That means physiologically he have to capture his prey and tear it, then tear the flesh and eat that, right? Next agar hum log dekhenge ki aisa bahut kuch proofs hai, main just have intestinal length ko bhi agar jaunga compare karunga to these are we are mostly comes under this vegetarian, not under non vegetarian. Okay, so meal blueprint for a disease lifestyle hum log jo bolte hain kya, dekho hamara jo new diet system hai hum log unko bolte hain ki early morning jo hota hai kya kya avoid karna usme bhi hai. You can take a screenshot of this also. Herbal tea, lukewarm water with lemon with cinnamon and methi, hunja tea. उसके बाद हम लोग ग्रीन जूस उनको बताते हैं, डिटॉक्स जिसको बॉडी हम लोग बोलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, दैट आई लर्न फ्रॉम नेचुरोपैथी, दिस इज वेरी ग्रेट फ्रॉम नेचुरोपैथिक कॉलेज भोपाल, दैट इज संत हिरदराम मेडिकल कॉलेज. आफ्टर दैट 1 PM कंपोजिट चपाती विथ ब्राउन राइस विथ डिटॉक्स सब्जी ऑल्सो. सलाद अमाउंट ज्यादा रहता है उसमें, फुल प्लेट ऑफ सलाद रहता है, जैसे कि फाइबर अमाउंट ज्यादा कर देते हैं हम लोग और उसमें ग्रेन्स का अमाउंट घट जाता है. अगर अगर 3 चपाती ले रहे हैं, अगर उसको 1 कर देते हैं और सब्जी अमाउंट को ट्रिपल कर देते हैं हम लोग लंच एंड डिनर में, ठीक है. तो उसके बाद इसी हिसाब से हमारा जो लंच एंड डिनर चलता है. उसके बाद जो फूड आइटम नॉट अलाउड होता है, सुगर्स एंड ऑल मेड फूड फ्रॉम सुगर्स, जैसे नॉन वेज एग्स एंड ऑल दिस रिफाइंड ऑयल, दैट इज पैक्ड फूड, राइट. देन बेनिफिट्स ग्रीन स्मूथी सबको पता है, बिकॉज हम तो बार बार ये देते हैं हमारा जितना वो पी सके, मतलब हमारे कैंप में भी. इट रिड्यूसेस द एसिड इन्फ्लेमेशन, प्रमोट्स द फैट एंड वेट लॉस, इट इंप्रूव्स द एनर्जी लेवल्स, इट इंप्रूव्स द डाइजेशन ऑल्सो एंड इंप्रूव्स द हेमोग्लोबिन लेवल, बोन स्ट्रेंथ, सो मेनी बेनिफिट. इसका एक क्लास भी हो जाएगा तो खत्म नहीं होगा इसमें इसके इसका बेनिफिट जो जितना भी है, राइट. सो ग्रीन स्मूथी इज मैंडेटरी इन आवर कैंप ऑल्सो हम लोग जो करते हैं, एंड इट्स ए वेरी गुड थिंग. एंड या सो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको तैयार करते हैं हम लोग, मतलब ग्रीन स्मूथी कैसे तैयार करते हैं. सो दिस स्मूथी जो है ना उसमें हम 1 to 2 मेजर लीव्स, 1 मेजर लीव्स जैसे कि स्पिनच हो गया, केले हो गया, लेट्यूस हो गया, उसके बाद सम माइनर लीव्स टेस्ट जो बढ़ाता है, जैसे पुदीना हो गया, करी लीव्स हो गया, कि धनिया हो गया, ये क्या करते हैं टेस्ट बढ़ाएंगे. उसके बाद यू कैन गिव सीजनल हाफ कट फ्रूट्स ऑल्सो यू कैन गिव, ओके, नॉट मच, बट इन स्टेप 4 वी गिव सम हर्ब्स, दैट इज एंटी डायबिटिक, एंटी एजिंग हर्ब्स ऑल्सो.
That's the dalchini, cinnamon powder, black pepper. And you can take a screenshot of this also, because you can practice this thing. You can start this thing. Okay. Step 5, we can add some lemon and rock salt to increase the taste of that, and water. So this is the final. So blend it for at least 3 minutes, and you can drink that without straining also. So thing is that please take screenshot, because this is the how to prepare green shot. Bolenge kaise main prepare karunga. So you can take this screenshot and you can prepare that, right? Okay. Then some breakfast we are also allowing ki some protein based or some salads, jaise main bata raha tha aapko, sprouts amount and salad amount zyada rehta hai usme, low glycemic fruits bhi rehta hai. So that is really stunning. Nature cooked breakfast isko bolte hain hum log zyada. And lunch and dinner bhi isme vegetables amount zyada rehta hai, salad amount zyada rehta hai, grains amount kam ho jata hai. Theek hai, hamara special thali mein main aapko dikha dunga. Yes, this is the thali. This is आदर्श थाली, हम लोग उड़िया में उसको आदर्श थाली बोलते हैं यहाँ उड़ीसा में. एंड इसमें क्या होता है, देखो जो सेंटर पोर्शन है ना, इस सेंटर पोर्शन में अब हम लोग क्या राइस या चपाती रखते थे, हम यहाँ उसको चेंज कर दिए हैं. उसमें राइस चपाती नहीं रहेगा, उसमें रहेगा ज्यादा सलाद रहेगा, उसमें भरपूर रहेगा मतलब, ठीक है. जैसे बड़ा प्लेट में सलाद रहेगा, जैसे हमारा डॉक्टर विश्वरूप सर की, हमारे डॉक्टर पवन वाधवन, वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वेट इंटू 5 सलाद. यस, पुट दैट अमाउंट ऑफ सलाद यू कैन पुट. एंड दैट अमाउंट पहले खाना है उसको, लाइव फूड खाना है उसका भी बड़ा कंसेप्ट है, उसमें हम लोग बाद में कब डिस्कस करेंगे. एंड जो छोटा छोटा प्लेट है उसमें सब्जी तरह का ज्यादा रहेगा, उसमें मतलब दाल आइटम भी रहेगा. जो ग्रेन्स आइटम जो है ना, राइस एंड रोटी, उसका अमाउंट कम करना है आपको. जितना कम करोगे सलाद, जितना बड़ा होगे उसी हिसाब से आपका मेडिसिन स्टेपर होते जाएगा. एंड दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन आवर कैंप ऑल्सो. एंड Yes, also we advise to make vegetables with chapati. हम लोग plain chapati नहीं देते हैं यहाँ, हमारा जो camp ही होता है ना, हम लोग advise भी करते हैं कि chapati में हम लोग क्या green juice दे देते हैं. Green juice देने के बाद simple water हम लोग नहीं देते हैं, पानी के बदले हम लोग green juice दे देते हैं आटा में, तो वो क्या हो जाएगा, green हो जाएगा. अगर उसमें beet दे देंगे तो red हो जाएगा, उसमें अगर गाजर दे देंगे तो येलो हो जाएगा. तो हमारा कंसेप्ट है कि फाइबर अमाउंट को ज्यादा बढ़ाओ, जिसमें ज्यादा मिनरल्स भी होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी होने नहीं देगा. सो दिस इज ऑल्सो आई गॉट वन स्लाइड फ्रॉम सात्विक मूवमेंट ऑफ ऑल ऑफ पीपल मे हियर दैट सात्विक मूवमेंट इज वेरी गुड एंड दे आर डूइंग गुड वर्क. सो राइस बॉल रिड्यूस करना है आपको, ज्यादा वेजिटेबल्स लेना है आपको. ओके, मतलब छोटा राइस बॉल होगा तो वेजिटेबल्स ज्यादा होगा, 3 बॉयल्स ऑफ वेजिटेबल्स. पहले क्या करते थे, नहीं एक बड़ा बॉयल राइस, छोटा बायल्स वेजिटेबल, नहीं हमारा जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. लाइक दिस फॉर फास्टेस्ट हीलिंग यू ईट मोर वेजिटेबल्स एंड लेस ग्रेन, बिकॉज यू नीड मोर अमाउंट ऑफ फाइबर एंड ऑल दिस थिंग, नॉट ओनली ग्रेन्स, राइट. एंड फॉर क्वालिटी, 4 क्वालिटीज ऑफ दिस डायट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो, दैट इज कि कैसे फूड लेना है. जैसे डाइट प्लान में हम लोग बताए कि दैट शुड बी लिविंग, दैट मीन्स डेट फूड को हमको घटाना है. डेड फूड लाइक यू रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, ऑल दिस थिंग दैट इज कमिंग. होलसम लेना है, जैसे नेचर ने हमको दिया है, प्रकृति माने जैसे हमको फूड दिया है, हम लोग क्या करते हैं उसी नेचर के हिसाब से जितना हम लोग होल हो सके उसको देते हैं. इट शुड नॉट बी रिफाइंड, बिकॉज अब जब फूड रिफाइंड होता है तो उसका जो फाइबर्स लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसमें कि ज्यादा विटामिन होता है. एंड थर्ड क्वालिटी जो है प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड क्यों नहीं होना है वो मैं आपको समझा दिया. वाटर रिच होना है, बिकॉज उसको क्यों, उसको उसका क्या जरूरत है हम लोग डिस्कस करेंगे. या द फूड शुड, यू शुड ईट लिविंग फूड, मोर अमाउंट ऑफ लिविंग फूड शुड नॉट बी दैट दैट इंक्लूड सफिशियंट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लोकल स्प्राउट्स, कोकोनट नट्स, वेजिटेबल जूसेस. एंड यू शुड नॉट टेक दिस टॉक्सिक डेट फूड दैट वी नॉट अलाउ इन आवर कैंप ऑल्सो टू टेक दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक फूड टू टेक. Okay, so and how to identify your real food, we explain the participant to the food. आपका जो फार्म में आ रहा है ना डायरेक्ट आपके पास, वो रियल है, ठीक है. अगर फार्म के तरफ से मतलब फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से आपके पास आएगा, तो दिस नॉट रियल फूड. ओके, इसी हिसाब से हम लोग बहुत सारा स्लाइड्स एंड ऑल दिस थिंग करके उनको समझाते हैं हम लोग. एंड देयर्स नो फ्रूट इन योर फ्रूटी ऑल्सो, देयर्स नथिंग रियल इन योर रियल जूस ऑल्सो, देयर्स नथिंग ग्रीन इन योर green tea also, right?
And in your gulab jamun, there's neither gulab nor jamun also. That's why we tell ki you don't live through this unreal things. These are the unreal. Nothing like this we are allowed to our camp also. This packet food, these are refined food. These are danger, causing more danger. So we do some replacement with bad items to good items. If you are taking biscuits, then replace with some good amount of coconut slice or like that. So that from bad to good, right? We need replacement. So some soda cans too, you can take coconut water, you can take some natural drinks, vegetable juices. From these namkins to you can replace with fruits, fresh fruits and vegetables, fresh fruits and salads you can take. Okay, you can take some sprouts also. So these are the some replacement we are educating the patient, we are empowering the patients in our camp. And some meta-analysis studies also prove that the whole grains are very protective, because the whole grains jo hota hai na, whole matlab usme kya hai ki fiber layer hai, vitamins hai usme, minerals hai, theek hai. Jaise hum log dekh rahe hain ki jo slides hai aapka, this side hai whole grain, this side hai white, or this is called refined hai, white side, white grain jo chota wala hai. And isme kya hota hai ki bran layer jo hai, the outer layer, उसमें 80-90% फाइबर है, 70-80% ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, एंड 95% ऑफ द फाइटोकेमिकल्स उसमें है. बट जब उसको हम मिलिंग कर देते हैं, वो रिफाइंड हो जाता है. रिफाइंड होने से क्या होता है, उसका जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होता है, विटामिन्स होता है, सब लॉस हो जाता है. हम यहाँ उड़ीसा भी, जो ब्रह्मपुर में यहाँ रहता हूँ, वहां भी, यहाँ भी अराउंड 70% पीपल्स आर टेकिंग दिस व्हाइट ग्रेन. ओके, सो उसको हम चेंज करके होल ग्रेन करते हैं. हम उसको sugar making process, आप सबको पता है, this is the whole, you can take sugar cane, but we not allowed to take this white sugar, right? So we from sugar cane, you can take a small amount of jaggery, but not white sugar. Okay, that means jaggery is better than white sugar. Not matlab sugar cane you can take, right? So fragmented food we are not allowing here also. These are the all fragmented white rice, sugar and oil. So the other quality is plant-based diet, because another quality is ki no to animal food, because nowadays so many research already proved that ki the meat iron causing more disease now. These are all the research proof I have kept. So anyone wants, they can also take the International Journal of Cancer, European Heart Journal. They already proved that ki this meat iron that is present in the non-veg food, that's called heme iron, that's causing more disease, more coronary artery disease. And stroke, right? So we are not allowing that. Why should you stop milk immediately? Because बहुत लोग बोलते हैं milk क्यों हम लोग बंद करेंगे? देखो अभी जो milk आ रहा है उसका तो milk में एक छोटा class भी हो जाएगा. Why to stop milk? तो मैं simple समझा रहा हूँ कि अभी जो milk आ रहा है ज़्यादा mixed type का आ रहा है, and उसमें ज़्यादा insulin like growth factor, hormonal वाला ज़्यादा आ रहा है, and commercial productions के लिए ही ज्यादा मतलब करवा जा रहे हैं. जो हार्मोन, पेस्टिसाइड, पॉस, एंटीबायोटिक, सो मेनी थिंग्स आर गिवन टू द काउ. सो वी हैव सीन सम रिसर्च आल्सो, यू कैन रेफर टू द चाइना स्टडी बाय प्रोफेसर टी कोलिन कैंपेल ऑन 7 कंट्री स्टडी. दे ऑलरेडी प्रूव्ड कि कैसे मिल्क के वजह से आपका कैंसर, आपका जो डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. And how much can milk attack sugar level? हम लोग क्या बोलते हैं अभी देखो, कि हम लोग बोलते नहीं नहीं बिना, जब चाय दुकान को जाओगे क्या बोलते हैं, नहीं बिना बिना चीनी वाला चाय दे देना, उसमें मिल्क होता है, ठीक है. उनको पता नहीं होता कि एक कप ऑफ टी विथ मिल्क विदाउट सुगर कैन इंक्रीज द सुगर लेवल बाय 20-100 points. बिकॉज ये जो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसमें होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाता है. ओके, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं. उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, यू कैन हैव हर्बल टी, यू कैन हैव ग्रीन टी, यू कैन हैव ब्लैक टी. ओके, सो दैट इज हर्बल टी वी आर अलाउइंग इन आवर कैंप. सो कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमको कैल्शियम नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है. बट नो नीड टू वरी, बिकॉज वी ऑल द प्लांट, इफ यू कंपेयर द कैल्शियम कंटेंट बिटवीन प्लांट फूड एंड एनिमल फूड, मिल्क में अगर 33 mg होता है पर 100 ग्राम, you can compare the sesame seeds, तिल का जो होता है, sesame seeds इसको बोलते हैं, तिल का जो लड्डू होता है हम लोग allow करते हैं खाने के लिए, बोलते हैं participant लोग को, उसमें 100 में देखो 100 ग्राम में 975 mg कैल्शियम ज्यादा होता है उसमें. मतलब जो प्लांट बेस्ड मतलब सीड्स हैं, हम लोग उसको ज्यादा allow करते हैं.
फ्लैक्स सीड्स हैं उसमें, जो अलसी जिसको बोलते हैं वो अलाउ करते हैं. सो वी मस्ट हैव टू नो ग्रीन जूस में तो बेस्ट कैल्शियम है. हम लोग जो ग्रीन स्मूथी देते हैं, you can ask that also. The World Health Organization also recently issued an advisory to the government of India stating that if adulteration of milk and milk products is not fixed by immediately, 87% of citizens would be suffering from serious disease like cancer with this coming year. So the thing is that now this is adulterated means that it's mixed with so many hormones, pesticides due to commercialization, nothing else. So the dairy milk intake may opt to increase the risk of breast cancer also. So already it is also proved in so many studies. So with how we replace that, we cannot stop immediately. If we start immediately, we have to give some replacement with that. So what is the replacement? To make coconut milk at home. How to make that? We explain the participant, we advise them to how to make this type of milk in home also. This is a plant-based milk, coconut milk. हाउ डू आई, लोग बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा. सो प्रोटीन में ज्यादा घबराने की चीज नहीं है. प्रोटीन मतलब उसका बेस्ट सोर्स जो होता है, यू कैन ईट दिस काइंड ऑफ नट्स, दिस इज ट्रू मतलब सुपर फूड. आप घर में भी इसको बना सकते हैं, इट्स वेरी नाइस नेचर कुक फूड. नेचर ने आपके लिए बना देगा. आप अगर थोड़ा पानी दे दोगे तो सुबह हो जाएगा रेडी. इसको नेचर कुक फूड लाइव हो जाएगा. सो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्प्राउट तो बहुत सारा है. मतलब इट ये प्री डाइजेस्टेड फूड, आपको ज्यादा आपका एंजाइम सीक्रेशन भी नहीं होगा एंड इट इजी डाइजेस्टेड ऑल्सो. सम पर्सन जिसका ज्यादा गैस प्रॉब्लम होता है, वो बॉडी से गैस को मतलब उसको हम लोग बॉयल वाला भी देते हैं. एंड ऐसा कुछ जो टिप्स एंड टेक्निक्स आई एम शेयरिंग दिस वेरी वी आर अप्लाइंग इन आवर कैंप ऑल्सो. So top three foods to add also, we are allowing to salads and sprouts and nuts. These are the main top three foods we are allowing. And again, water is, what is the value of that? That should be, because our human body is 70% water and 30% solid. Our mother earth is like that also, because mother earth, the earth is 30% land and 70% water. Okay, see. So our food should be like that. That means now, but now we are taking this wrong kind of food, that is 70% water poor food and 30% water rich food. We just have to change this thing to 30%, 70% water rich food we are giving here also, right? Like this is the thing what I told, 70% water is our mother earth. So we should also take like pind is equal to Brahmanda. Okay, this is also told by our some Advaish Pandey sir also. Yeah. So this is true. 70% of water is your body. So never, always keep rehydrating. No dehydration. Sunbath we are advising because vitamin D is the main hormone of your body. Vitamin D jiska kam ho jata hai, usko sab kuch problem pakad leta hai. Usko kuch, matlab, bukhar se start karke, jo jitna bhi immunity low ho jayega aapka. So the sunbath we are giving also. And sunbath is very, very important. Every day at least half an hour to 2 hours we are advising on exposing the navel also, right? So these are the some therapies. Also fasting ke bare mein hum log bolte hain ki fasting bhi aapka bahut sara problem ko solve karta hai. Jaise ki all religious teachers fasting also.